मोदी जी का भाषण सुने अभी? ना हमें उनका भाषण नहीं सुना। क्या है? काना ऐसे कर लिया। काना ऐसे कर लिया। हाँ। देखा ही ले लियो वाल की भीड़ कितना है। भीड़ था। 25-30 हजार। गैस कनेक्शन जो है हर एक घर में है, लेकिन उसको भरवाने के लिए हर एक के पास पैसा नहीं है, पता है? महंगाई हो गया। पहले 600 रुपया था, अब 1400 रुपया कौन भरवाएगा? तेजस्वी यादव थे, 3 लाख वैकेंसी आई तो उसने नौकरी सबको दिया, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। ये सब कहाँ गए? इन लोग को चाहिए कहाँ? मंदिर चाहिए और वहाँ जाके भीख मांगना कि भैया राम मंदिर बन गया, आप जाके हमको भीख दीजिए 10 रुपया। आप राम मंदिर बनवाए डज इन नॉट मैटर, 370 टाइम डज इन नॉट मैटर, मैटर इज ए भीख। क्या अपने स्टूडेंट के लिए क्या किए? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी सर। हम नोटा दबाएंगे। क्यों? युवा नाराज क्यों है? युवा नाराज है इसलिए कि रोजगार ही नहीं मिलता। मोदी जी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार का बारिश किए हैं। आप बता दीजिए कहाँ किए? बोले थे ना, वादा किए थे ना। तो आप ही बता दिए 2 करोड़ हुआ है? नहीं मिला है। तो आप ही बोलिए 2 करोड़ मिला है। सिर्फ नहीं ना, वादा तो पूरा नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? सवाल नहीं पूछे मोदी जी अभी आए हुए। सवाल पूछने का मौका मिलेगा तब ना पूछेंगे। हम लोग को वहाँ नजदीक जाने स्क्रीन में देख रहे हैं, मौका कहाँ मिलता है? यहाँ बात की जाती है गैस कनेक्शन के, गैस कनेक्शन जो है हर एक घर में है। बात सुनिए मैम, एक मिनट। गैस कनेक्शन जो है हर एक घर में है, लेकिन उसको भरवाने के लिए हर एक के पास पैसा नहीं है, पता है? गांव में अभी महंगाई हो गया। पहले 600 रुपया था, अब 1400 रुपया कौन भरवाएगा? गांव में जाके निरीक्षण कीजिए, बोलने का सब जाके देखिए, घर घर जाइए, कितनों के घर में गैस कनेक्शन चूल्हा जल रहा है। प्रधानमंत्री का विदेश नीति अच्छा है? प्रधानमंत्री का विदेश नीति अच्छा है उनका? हम वो नहीं बोलते प्रधानमंत्री मेरे खराब है, वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के राजा है, ये नहीं बोलते खराब है। लेकिन हर एक जनता रोजगार की बात करना चाहिए। अगर आज अंकल अगर बिहार में रोजगार होता तो हम लोग क्यों सूरत और दिल्ली बम्बई जाता इंसान? 2.5 करोड़ रुपया आज खर्चा किए मोदी जी। हाँ। काहे ले? अच्छा। क्या जनता को भाषण देने के लिए? जनता को क्या मिला भाषण? तो मोबाइलों पर आप देख रहा है। अच्छा। हैं, वो 250 महीना मोबाइल बम ले रहे हैं, हैं? दे रहे हैं कि नहीं? सब चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं। हाँ। और कहते हैं कि हम कौड़ा देते हैं 5 किलो। पैसा मोदी जी की है? मोदी जी की है? मोदी जी का भाषण सुने? ना हमें उनका भाषण नहीं सुना। काना ऐसे कर लिया। हाँ, महंगाई उंगाई पे बात नहीं हुआ। देखा ले ली वाल की भीड़ कितना है, आदमी कितना इनका जुट लाई है। कितना भीड़ था? 25-30 हजार। 5 लाख बोल रहे हो? 25-30 हजार। 25-30 हजार। 5 लाख गिना पार भो। लालू यादव जिंदा। अरे यार, लालू यादव जिंदा। मैम देखिए, 40 सीट लेंगे, खाली कर रहे हैं। 400 सीट पार ले मैटर ही है। उसने रोजगार क्या किया? स्टूडेंट के लिए क्या किया? अभी जो बोले नौकरी 4 लाख दी है, किसके काल में आए? तब तेजस्वी प्रताप थे उनके साथ, तब उसने 3 लाख वैकेंसी जो दिए थे तो उसका एग्जाम सफल रहा। और अभी जैसे भाजपा मिले तो 1 लाख जितना जो सीट वैकेंसी आया था उसका क्वेश्चन ही आउट हो गया। तो किस पे प्रतिपादन है, भाजपा या फिर RJD में जाता है? ये चीज तो बोले, अभी तो उनको बोलना चाहिए। क्या बोला? 370 हटा है। हमारे लिए क्या किए? राम मंदिर पे बात हुआ था। राम मंदिर में क्या करें? मोदी भीख मांगे हम लोग? एक मिनट। 3 लाख वैकेंसी अभी आई, किसके काल में आई? RJD के काल में। तेजस्वी यादव थे, 3 लाख वैकेंसी आई तो उसने नौकरी सबको दिया, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। ये सब कहाँ गए? इन लोग को चाहिए कहाँ? मंदिर चाहिए और वहाँ जाके भीख मांगना कि भैया राम मंदिर बन गया, आप जाके हमको भीख दीजिए 10 रुपया। उस तरह से क्या करना है? राजा बनना है। पढ़ लिखे से स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है। 1 लाख जैसे भाजपा में वैसे उन्होंने क्वेश्चन आउट करवा दिया। क्वेश्चन नहीं गए तब जाके BPSC क्या बोले, क्वेश्चन आउट हुआ सही से पता नहीं चला। सब कुछ पता चलने के बाद भी माने दिलीप सर सब कुछ परिवार किए, सब कुछ दिए, वो तब पता चला कि क्वेश्चन आउट क्या है। फिर उसका एग्जाम कब लिया जाएगा? यूपी में भी हुआ, यूपी में किसका सरकार है? भाजपा का। आदित्यनाथ योगी का क्वेश्चन आउट हुआ, उसका एग्जाम कब हुआ पता नहीं। झारखंड ले लीजिए आप, झारखंड में भी अभी JSSC का हुआ, उसका भी क्वेश्चन आउट हुआ। अभी फिर एक चीज का एग्जाम और हुआ, उसका भी क्वेश्चन आउट हुआ। तो भैया ये क्यों? आप राम मंदिर बनवाए डज इन नॉट मैटर, 370 टाइम डज इन नॉट मैटर, मैटर इज ए बिग। क्या अपने स्टूडेंट के लिए क्या किए? बस इस चीज के लिए हमको बस ये चाहिए। आपने स्टूडेंट के लिए क्या किए? मंदिर खुलवाए, भैया आप अच्छा काम किए हैं, ठीक है, राम मंदिर होना चाहिए। आप स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहिए, वो चीज के लिए बोलना चाहिए ना, वो क्यों नहीं बोले हैं? बस ये पूछना चाहते हो आप? इसके बारे में एक चीज मैंने बोले कि रोजगार पे बात हुई नहीं हुई है? नहीं हुए से बस राम मंदिर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे एक मिनट, नहीं हुई बात रोजगार की। 400 हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा।
करते, आप ये रहेंगे हम भी ये पे रहेंगे तो पता चल जाएगा। इंसान अंधभक्त है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, 10 साल के बाद आएगा भीख मांगिएगा राम मंदिर से, भीख दीजिए हमको, रोजगार चाहिए हमको, हमको रोजगार चाहिए, राम मंदिर बनवा दीजिए तो क्या जाकर भीख मांगेंगे आप, भीख देंगे हमको। जय श्री राम बोलिए, हम भी बोलते हैं, हम भी हिंदुत्व, हिंदुत्व के लिए सही है, हिंदुत्व के लिए जय श्री राम। चलिए जनता के बीच मोदी अभी भी भाषण लेके गए हैं, बाकी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, धन्यवाद।